ये चलते हैं राज्यसभा, जहां पर नोटबंदी के मामले पर इस समय चर्चा चल रही है और चर्चा में हिस्सा ले रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के सांसद और मंत्री पीयूष गोयल। पीयूष गोयल जी, आर यू यील्डिंग? नहीं, आई एम स्पीकिंग बट ही इज इंटरप्टिंग, व्हाट कैन आई डू? सज्जन है, बैठ जाएंगे। सर, मेरा एक प्रश्न है आपसे कि आप माननीय वित्त मंत्री ने जो सदन को सूचित किया है, ये मेरे पास उत्तर है, उसका आप कॉन्ट्रडिक्शन मत करें। जो पैसा कितना है काउंटरफेट, इन्होंने बताया है, या तो आप कहो कि इन्होंने गलत बताया, वरना कृपा। मैं समझता हूँ आनंद शर्मा जी ने खुद ही अपने आप प्रश्न का जवाब दिया था। वो जो प्रश्न है वो सिर्फ फेक करेंसी के बारे में, काला धन और जो पैसा भ्रष्टाचार से लोगों ने कमाया उसके बारे में नहीं है। तो मेहरबानी करके आप जनता को भ्रमित करने की कोशिश ना करें। ऐसी परिस्थिति में सरकार ने ये निर्णय लिया, और ये निर्णय पूरे कानूनी प्रावधान के हिसाब से लिया गया। रिजर्व बैंक के बोर्ड ने यह निर्णय लिया, उसको सरकार के पास भेजा, और सरकार ने इस निर्णय की सराहना करते हुए कैबिनेट ने मंजूरी दी कि 500 और 1000 रुपए के नोट, पुराने नोटों को रद्द किया जाए, नए नोट आए, और हर एक ईमानदार को मौका दिया जाए कि वो अपना पूरा पैसा बैंक में 30 दिसंबर तक जमा कर सके। और ईमानदार पैसे पे तो कोई रोक नहीं है, जिसके पास भी ईमानदार पैसा है, अपने कैशबुक में बैलेंस होगा, या अपनी पूरा कमाई होगी, या अपनी बचत होगी, मैं समझता हूँ किसी को कोई रोक नहीं है अपना ईमानदार पैसा बैंक में डालने में। रोक है तो बेईमानों के लिए है, रोक है तो भ्रष्टाचारियों के लिए है, रोक है तो जाली नोट रखने वालों के लिए। अब पूरे सदन में ऐसा कौन सा सदस्य है जो ऐसे प्रतिबंध पे भी एतराज कर रहा है? मुझे ये बात नहीं समझ में आ रही है कि अगर कोई कदम भारत में भ्रष्टाचार और काले धन को खत्म करने के लिए एक कड़ी में लिया जाता है। हमने सबसे पहले कैबिनेट में SIT बिठाई, SIT के कई सुझाव थे, वो सब सुझाव को स्वीकार किया। जो कई वर्षों से कुछ राज्यों, कुछ देशों से पैसा गलत तरीके से भारत में आ रहा था, टैक्स फ्री बेनिफिट मिल रहा था, DT डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट में उस पर रोक लगाई। हमने कई और देशों से करार किया जहां से एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन पहले नहीं होती थी। मैं समझता हूँ आनंद शर्मा जी उत्तेजित हो गए ये बोलने में कि हमारे योगदान को स्वीकार नहीं किया। प्रधानमंत्री जी ने तो सबके योगदान को 15 अगस्त के अपने भाषण में स्वीकार कर लिया था, लेकिन क्या वो कदम पर्याप्त थे? क्या उन कदमों से सब काला धन और भ्रष्टाचार रोक पाए? स्वाभाविक है नहीं, क्योंकि पूरे देश में लोगों को इसकी चिंता है। लेकिन एक एक कदम जो हम इस सरकार ने लिया, फिर चाहे वो कोयले के ब्लॉक्स की नीलामी हो पारदर्शिता से, चाहे वो स्पेक्ट्रम की नीलामी हो पारदर्शिता से, अलग अलग आयाम इस्तेमाल किए गए भ्रष्टाचार और काला धन को रोकने के लिए। और मैं समझता हूँ उसमें ऐतिहासिक महत्वपूर्ण कदम अगर कोई लिया सरकार ने, तो 500 और 1000 रुपए के नोट को बंद करके सभी को मौका दिया कि अपना ईमानदार पैसा बैंक में डालें, और बेईमानों को चेतावनी दी कि अब उनके पास जो पैसा इकट्ठा हुआ है बेईमानी का, भ्रष्टाचार का, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। और मैं समझता हूँ पूरे सदन में सभी लोग चिंतित है। आनंद शर्मा जी ने भी कहा हम भी भ्रष्टाचार की लड़ाई में सम्मिलित होना चाहते हैं, हम भी आतंकवाद के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, जो जाली नोट आतंकवाद या ड्रग कार्टल्स यूज करते हैं उसमें हम भी सम्मिलित होना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ ऐसी परिस्थिति में जो भी कदम इस कड़ी में लिए जाते हैं काले धन को रोकने के लिए, उसका स्वीकार पूरा सदन, पूरा देश करे, ऐसी अपेक्षा थी। वास्तव में गोपनीय रखना तो स्वाभाविक था ऐसे निर्णय को। कुछ लोगों ने ऐसा भी सुझाव दिया कि 7 दिन तक 10 दिन तक पहले से बता देना चाहिए था ये कदम होने वाला है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि कोशिश ये है कि हमें मौका दिया जाना चाहिए था कि हम काले धन को बदल सके, हम उसको कन्वर्ट कर सके। ऐसी परिस्थिति में तो गोपनीयता सबसे महत्वपूर्ण होती है, और गोपनीयता के कारण ही आज बेईमानों को तकलीफ है, भ्रष्टाचारियों को तकलीफ है, और उनके पैसे की कोई वैल्यू नहीं रही। और आप देखिए,
इस कदम के अनेक अनेक लाभ। आगे चल के भारत की अर्थव्यवस्था जितना ज्यादा ईमानदार होती रहे, जितना ज्यादा सब लोग अपने टैक्सेस पूरी तरीके से भरना शुरू करें, तभी तो जाके देश में ब्याज का दर भी कम हो सकेगा, महंगाई कम हो सकेगी, देश में जो टैक्स रेट्स हैं टैक्स रेट्स पे नियंत्रण लगाया जा सकेगा। आखिर में अगर बिजली से के उदाहरण से लूं, अगर 5 लोग चोरी करते हैं तो बाकी 95 लोगों को उस चोरी का भुगतान करना पड़ता है। इसी प्रकार से अगर देश के खजाने में, राज्य सरकारों के खजाने में पूरी तरीके से सब लोग अपने अपने टैक्स भरें, तो स्वाभाविक है कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार के पास पैसा ज्यादा होगा, जिससे वो देश में कल्याणकारी काम कर सके, गरीबों का कल्याण कर सके, किसानों का कल्याण कर सके, महिला शक्ति को और बल देने के लिए उनके लिए नए रोजगार के अवसर मिले, युवाओं का अच्छा हुनर बने, उनको कौशल विकास के अवसर मिले, वैसा काम कर सके, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के हमारे भाई बहनों को और ज्यादा योजनाओं द्वारा फायदा दिला सके, और इस सब के लिए पूरी तरीके से टैक्स पे किया जाए, टैक्स कलेक्ट हो, लोगों को काला धन करने का मौका ना मिले और भ्रष्टाचार मिटाने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण चेतावनी है सब भ्रष्टाचारियों के लिए कि आपका धन सुरक्षित नहीं है, आपके धन पे सरकार नजर रखती है, और जब पूरा ईमानदार पैसा बैंक पे आ जाएगा तब अपने आप सामने आ जाएगा कि कितना पैसा काला धन इस देश में था, कितना पैसा बैंक में वापस नहीं आया। मैं समझता हूं कि इस कदम से एक प्रकार से ईमानदारी का उत्सव और प्रामाणिकता का पर्व पूरे देश में मनाया जा रहा है। हमने कई लोगों से जब चर्चा की 8 तारीख के 8 बजे के बाद, तब सभी ने कहा थोड़ा कष्ट है, कुछ ही दिनों का कष्ट है, और वास्तव में ईमानदार लोगों ने अपना पैसा डालना शुरू कर दिया है। हम देख रहे हैं कि आस्ते आस्ते कतारें भी कम हो रही है, 2-3 शहरों को छोड़ के आस्ते आस्ते लोगों को नए नोट मिल रहे हैं। अब 500 रुपए के भी नोट आ गए हैं तो सब बैंकों से वो भी मिलना शुरू हो जाएंगे, और देश और देश की जनता कुछ दिनों की कठिनाई सहन करने को आज तैयार है, क्योंकि उनको आज ये उम्मीद है और ये विश्वास है कि प्रधानमंत्री मोदी जी वास्तव में काले धन और भ्रष्टाचार, आतंकवाद और ड्रग्स के अंदर लगाए हुए जाली पैसे के ऊपर जो जंग कर रहे हैं वो देश हित में है, जनता के हित में, कल्याणकारी कार्यों के हित में है, और आज पूरा देश हमारे साथ खड़ा है। मेरे मित्र नरेश जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश को चुनाव को देखते हुए कदम लिया गया, फिर तो आप कहना चाह रहे हो कि इसका लाभ अगर होना होता हमें तो इसका स्वाभाविक जनता का समर्थन है, इसका तो सीधा मतलब ये निकलेगा कि जनता का समर्थन है। तो मैं समझता हूं कि ये जो कदम उठाया गया है इसका पूरा अधिकार था प्रधानमंत्री जी को, इस सरकार को, इसमें कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है कि ऑर्डिनेंस ही लाना जरूरी था। और रिजर्व बैंक मॉनेटरी पॉलिसी चलाती है, रिजर्व बैंक के बोर्ड ने यह निर्णय लिया और उस निर्णय के तहत 500 और 1000 रुपए के नोट को रद्द किया गया, पुराने नोट को, और नए नोटों द्वारा इस सिलसिला को आगे चलाया जाएगा। आपने सर्जिकल स्ट्राइक की बात की, से हमने तो किसी ने इसको सर्जिकल स्ट्राइक का नाम नहीं दिया, पर अगर आप इसको सर्जिकल स्ट्राइक मानते हैं तो मैं समझता हूं बहुत खुशी की बात है। अगर सर्जिकल स्ट्राइक है काले धन पे, अगर सर्जिकल स्ट्राइक है भ्रष्टाचार पे, अगर सर्जिकल स्ट्राइक है आतंकवाद पे, तो ये तो आपने उसको सर्टिफिकेट दे दिया आनंद जी। और जहां तक एक आनंद जी ने बात रखी कि स्विस बैंक के खाते जिसके नाम पे है वो नाम घोषित किए जाए, मुझे अभी भी याद है इसी सदन में पहले के वित्त मंत्री ने हम सबको अवगत कराया था कि ये खातों के नाम हम इसलिए नहीं घोषित कर सकते हैं क्योंकि एक बार वो खाते के नाम घोषित कर दिए पब्लिकली तो जो फॉरेन गवर्नमेंट से, फॉरेन सरकारों से हमें सूचनाएं चाहिए
वो सूचनाएं मिलना बंद हो जाएगा। तो मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि क्या कुछ नेता चाहते हैं कि सरकार ये भूल कर दे और इन नामों को सुप्रीम कोर्ट को देने के बदले पब्लिक को दे दे, जिससे उन लोगों को ये एस्केप रूट मिल जाए कि सब फॉरेन सरकार, विदेशी सरकार से सूचनाएं प्राप्त होना बंद हो जाए। मैं समझता हूं भारत सरकार का दायित्व है वो नाम वो सुप्रीम कोर्ट को दे, जो हमने पूरा किया है। जैसे जैसे वो कोर्ट केसेस कोर्ट में आ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को उसकी पूरी जानकारियां और पूरी इन्वेस्टिगेशन के साथ दी जा रही है और उस पर उचित पूरी तरीके से कार्रवाई की जा रही है। लेकिन आप मेहरबानी करके ऐसे गलत तत्व ना रखें जिससे इन लुटेरों को एक मौका मिल जाए छुपने का। इसी प्रकार से कुछ अनाप शनाप आरोप आनंद जी ने जरूर लगाने की कोशिश की खर्चों के बारे में। अब तो आनंद जी 2014 के चुनाव का खर्चा सब इलेक्शन कमीशन, इनकम टैक्स, सबको सबमिटेड है और वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। आप मेहरबानी करके वेबसाइट खोल के आपको पूरी जानकारियां मिल जाएंगी 2014 में क्या खर्चा हुआ और आपके जो ये आरोप है इन आरोपों में कितना तत्व है और कितना गलत आपने अफवाह फैलाने की कोशिश की गई। वैसे तो मैं समझता हूं कि ये एक ऐसा कदम है जिससे आगे चल के हर एक व्यक्ति को सोचना पड़ेगा भ्रष्टाचार करने के पहले, हर एक व्यक्ति को सोचना पड़ेगा काला बाजारी करने के पहले। और आप इसका स्वाभाविक एक दो मैं आपको उदाहरण देता हूं। हमारे लेफ्ट के मित्र हैं यहाँ पे, कई ट्रेड यूनियंस वगैरह चलाते हैं। इसका एक सीधा लाभ, जैसे जैसे सभी कंपनियां सभी लोगों को आदत पड़े कि हम सभी को चेक से तनख्वाह दें तो सीधा लाभ होगा तो गरीब मजदूर को होगा। आज हम सब जानते हैं कि गरीब मजदूर को जो तनख्वाह दी जाती है वो कैश में इसलिए दी जाती है कि कई बार मिनिमम वेजेस का भी उल्लंघन होता है। हमने मिनिमम वेजेस को, न्यूनतम जो वेजेस कामगार को मिलती है उसको 42% बढ़ाया पिछले सदन में, पिछले सदन की सत्र में, और 42% बढ़ाने के बाद ये लाभ गरीब मजदूर तक पहुंचे उसका एकमात्र तरीका यह है कि सब चेक से पे करें, सब मजदूरों को चेक मिले। और इसके लिए शुरू से ही इसी के लिए शुरू से ही हमने जनधन अकाउंट पे फोकस किया। जनधन अकाउंट खोले गए, हर एक व्यक्ति के पास परिवार में एक अकाउंट खोला गया। और मेरे ख्याल से आगे आने वाले दिनों में जैसे जैसे एक एक व्यवहार ईमानदार होने लगेगा वैसे वैसे राज्य सरकार और केंद्र सरकार को अधिक राजस्व भी मिलेगा, टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा और उसी से ईमानदार राज्य और केंद्र सरकारें देश में कल्याणकारी कार्य और ज्यादा अधिक मात्रा में करने लगेंगी। ये एक ऐसा कदम है उपाध्यक्ष महोदय जिसमें हम समझते थे पूरे सदन में सभी राजनीतिक दल इसका समर्थन करेंगे। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अगर कुछ चंद ही दिनों की कठिनाई में अगर हम सब एक साथ लड़ते और जूझते तो ये कठिनाई भी कम होती और जल्द से जल्द लोगों को इसके लाभ दिखने मिलते। पर खैर, अब दुर्भाग्य की बात है कि इन राजनीतिक दलों को कोई कारणवश इसका विरोध करना पड़ रहा है, या शायद चिंता है कि ये जनता ने बहुत इस बात को पसंद किया है और इस बात की सराहना की है कि पहली बार देश में एक ऐसा प्रधानमंत्री और सरकार आई है जो वास्तव में काले धन, भ्रष्टाचार और आतंकवाद के खिलाफ एक बहुत ही तेज लड़ाई, बहुत ही मजबूत लड़ाई लड़ने को तैयार है। और मैं समझता हूँ इसमें कोई राजनीति नहीं है, इसमें राष्ट्र और देश का हित का ही काम है। और इसलिए अगर कोई कहे कि ये चीज का हम विरोध करते हैं तो स्वाभाविक है कि कोई ना कोई पूछेगा कि क्या भ्रष्टाचार और काले धन का समर्थन करते हैं जो इस इतने अच्छे कदम को विरोध कर रहे हैं। इस प्रकार से मेरे ख्याल से ये कदम है जो आगे चल के देश में ज्यादा से ज्यादा लोगों को ईमानदार बनाएगा, ज्यादा से ज्यादा राजस्व जो
गरीब और देश की जनता के कल्याण कार्य में लग सके, महंगाई कम कर सके, जो ब्याज के दर कम कर सके और पूरे देश में जो विकास की यात्रा भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने जो विकास की यात्रा बहुत ही जोर शोर से पूरे देश में चलाई है, इसमें हम सफलता पाएं, इसमें देश में आगे चल के और लाभ सभी जनता को मिल सके। आप सभी जानते हैं कि इसी कड़ी में एक प्रकार से अगर हम व्यापार को देखें तो व्यापार में भी हम सभी जानते हैं कि कई जगह पे टैक्स की इवेजन की खबर आती है। एक आरोप लगाया जाता है कि मोदी सरकार व्यापारी या बिजनेसमैन के साथ है, तो अगर वैसा होता और आपकी कहने में तत्व होता कि वो सिर्फ उनके साथ है और वो उनको लाभ दिलाना चाहते हैं, तो काला धन पे रोक लगाने के लिए ये कदम कोई उठाता ही नहीं। मैं समझता हूँ ये कदम उठाने से साबित होता है कि जो भी काला धन करते हैं, जो भी भ्रष्टाचार करते हैं, उनके खिलाफ जंग लड़ने की अगर ताकत है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी में है। उल्टे कई राज्य सरकारों से तो ये भी खबर आ रही है, कई राज्य सरकारों से खबर आ रही है कि उनके जो ओवरड्यूज है, जो उनकी जो कलेक्शन नहीं हो रही थी, और उत्तर प्रदेश ने भी हमें जानकारी दी कि उत्तर प्रदेश में भी सब ओवरड्यूज कॉरपोरेशन के सरकार के अब क्लियर हो रहे हैं, पे हो रहे हैं। तो मैं समझता हूं हमने तो ईमानदार लोगों को ईमानदारी की तरफ और एक अच्छा कदम लिया, इसमें तो आपने स्वागत करना चाहिए, आपकी सरकारों को पैसा मिल रहा है। तो ये एक तय हो जाए कि इस सदन में कौन भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ लड़ना चाहते हैं और कौन कानून के साथ सभी व्यापार को, सभी उद्योग को, सभी कारोबार को कानून के साथ जोड़ के काला धन को खत्म करना चाहते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इस देश की जनता इस बात को समझ रही है कि जब गोपनीय रखा गया ये फैसला तो उससे थोड़ी तो समस्या कुछ दिन तक होगी, चाहे वो एटीएम को रिकैलिब्रेट करने में हो, चाहे वो पैसा अलग अलग जगह तक पहुंचाने में हो, लेकिन जितनी जगह से हमने रिपोर्ट ली सभी जनता कहती है हम थोड़ा कष्ट सहन कर लेंगे। और मैं आज आप सबके माध्यम से जनता से अनुरोध करूंगा कि कोई जल्दी नहीं है, आप 30 दिसंबर तक अपना ईमानदार पैसा जमा कर सकते हैं। कोई भी महिला का बचत का पैसा, कोई भी कारोबार में लगाया हुआ ईमानदार पैसा पूरी तरीके से सुरक्षित है। किसी ईमानदार के पैसे को एक रुपए का नुकसान नहीं आएगा इस स्कीम के कारण। नुकसान होगा तो बेईमानों और भ्रष्टाचारों का नुकसान होगा, और ईमानदार लोगों को जल्दबाजी करने के बदले उल्टे मुझे खुद को लगा कि मैं लाइन में खड़े होके पैसे निकालूं, कितना ध्यान आया कि मैं तो क्रेडिट कार्ड से निकाल सकता हूं। कोई ज्यादा जरूरतमंद आदमी पहले खड़े होके पैसा निकाल ले, मैं बाद में जाके निकाल लूंगा। तो इसीलिए मेरा आप सबसे दरख्वास्त है कि जो लोग क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से अपना व्यवहार कर सकते हैं उनको प्रोत्साहन देने में आप लोग भी मदद करें, आप लोग भी इस काम में हमारे साथ जुड़ें और आगे चल के ईमानदारी का सम्मान हो और बेईमानी का नुकसान हो, इस कार्य में पूरा सदन एक स्वर से देश को सूचना दे, पूरा सदन इसका समर्थन करे और पूरा सदन देश में जिस प्रकार से हमने भ्रष्टाचार और बेईमानी और काला बाजारी पर लड़ाई लड़ी है, इसमें हम सब मिलके देश को एक ऐसा संदेश दें कि हम सभी राजनीतिक दल इसके खिलाफ हैं और आगे चल के पारदर्शिता और ईमानदारी से देश चल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।